गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो है हमारा प्रोबेबिलिटी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो आपने 9th में भी कवर किया है इसको, कुछ बेसिक्स और 10th में भी कवर किया है। आज हम 11th और यही चैप्टर आपका दोबारा से 12th में भी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में है क्या। द मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। जो चीज़ अनसर्टेन है उसकी मेजरमेंट करना ही क्या है हमारा प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट वन इज कि प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट कहाँ करती है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है वो किस में एग्जिस्ट करती है, रैंडम एक्सपेरिमेंट में। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज़ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, कि कौन से एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। तो वो एक्सपेरिमेंट हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जाएगा जो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट वन इज़ मोर देन वन पॉसिबल आउटकम इन सेम कंडीशन, कि कंडीशन तो सेम रहेंगी लेकिन रिजल्ट क्या होंगे, एक से ज़्यादा बार बार अलग डिफर होकर रिजल्ट आएगा। एंड द सेकेंड वन इज़ प्रिडिक्शन इज नॉट ऑफ आउटकम इज नॉट पॉसिबल, और जो उस एक्सपेरिमेंट का आउटकम है, जो उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है, वो पहले से ही आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इन दोनों कंडीशनों को जो भी एक्सपेरिमेंट सेटिस्फाई कर देगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट। और आपने डेली लाइफ में बहुत सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट किए हैं और आज भी शायद उनमें से कुछ आप करते हैं। जैसे सबसे पहला है हमारा एग्जांपल टॉसिंग ऑफ ए क्वाइन। टॉसिंग ऑफ ए क्वाइन आपने बचपन से किया है कि क्वाइन को टॉस करके हम डिसाइड करते हैं कि कौन हमारा किसका नंबर पहले आएगा, किसका नंबर बाद में आएगा। तो ये हमारा क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्योंकि सेम कंडीशन पर रिजल्ट क्या है, एक से ज़्यादा। आप क्वाइन को फेंकोगे तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। एंड प्रिडिक्शन इज़ नॉट पॉसिबल, और पहले से ही आप डिसाइड पर नहीं बता सकते कि रिजल्ट क्या होगा। थ्रोइंग ऑफ ए डाइस, डाइस को जब आप फेंकते हैं तो क्या है, मोर देन वन पॉसिबल आउटकम इन सेम कंडीशन। तो रिजल्ट आपका 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। एंड प्रिडिक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो ये कुछ एग्जाम्पल हमारे किसके हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट के। एंड द नेक्स्ट वन इज़ हमारा, अब इसमें आता है एलिमेंट्री इवेंट, कि एलिमेंट्री इवेंट क्या है। नेक्स्ट वन इज़ हमारा जो आता है इसमें वो क्या है, एलिमेंट्री इवेंट। द ईच आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। कोई भी आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया उसके जितने भी आउटकम हैं वो सारे हमारे क्या है, एलिमेंट्री इवेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक क्वाइन को टॉस किया तो क्वाइन में हेड भी आया है या उस क्वाइन में क्या आया है, टेल भी आ सकता है। तो मान लो मैंने E1 को तो कह दिया हेड का आना और E2 इवेंट मैंने कह दिया टेल का आना। तो ये हेड का आना और टेल का आना क्या है हमारा, एक क्वाइन के फेंकने पर एलिमेंट्री इवेंट। और द नेक्स्ट वन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सैम्पल स्पेस। अगर आपको सैम्पल स्पेस निकालना आ गया तो ये सोच लीजिए प्रोबेबिलिटी आ गई। तो व्हाट इज़ सैम्पल स्पेस, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। सेट आपने पढ़ा है, सेट में हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट आपने किया, उसके सारे पॉसिबल आउटकम का आपने सेट बना दिया, तो वही क्या है हमारा उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैम्पल स्पेस। जैसे थ्रोइंग ऑफ ए डाइस, एक डाइस को आप थ्रो कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या होगा, उसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। तो कर्ली ब्रैकेट से क्लोज करके मैंने इसको नाम दे दिया S। तो S किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सैंपल स्पेस को। किसके सैंपल स्पेस को, थ्रोइंग ऑफ ए डाइस के रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस को। अब इसमें इवेंट क्या क्या हो सकते हैं, E1 इवेंट ऑफ गेटिंग 1, E2 मैंने कह दिया इवेंट ऑफ गेटिंग 2, E3, E4, E5, E6, E up to 7, E6 मैंने कह दिया इवेंट ऑफ गेटिंग 6। तो हेयर E1, E2, E3, E4, E5, E6 आर एलिमेंट्री इवेंट। तो ये हमारे क्या हो गए, एलिमेंट्री इवेंट। तो आज हमारा जो काम है वो सबसे पहले यही है कि हम क्या सीखेंगे, सैंपल स्पेस बनाना। अब आता है सैंपल स्पेस। जैसे हम पहले क्वाइन से शुरू करेंगे, एक क्वाइन, जैसे एक फर्स्ट आता है एक क्वाइन इज टॉस्ड 1, एक क्वाइन इज टॉस्ड 1, डिस्क्राइब इट्स सैंपल स्पेस। तो आप इसको क्या बताना है, आपका सैंपल स्पेस। बहुत ईजी है, आप इजीली बता सकते हो, जब भी एक क्वाइन को फेंकोगे या तो हेड शो करेगा या शो क्या करेगा, टेल। तो एक क्वाइन को जब आप एक बार फेंकोगे तो उसका रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होगा, हेड टेल। सेकंड वन इज टू टाइम्स आपने एक क्वाइन को टॉस किया, टू टाइम्स आप क्वाइन को टॉस करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, फर्स्ट क्वाइन दिखाएगा हेड,
तो दूसरा क्या दिखाएगा, हेड। फर्स्ट कॉइन दिखाएगा हेड तो दूसरा दिखाएगा टेल, या फर्स्ट कॉइन टेल दिखाएगा तो दूसरा दिखाएगा हेड, या फर्स्ट कॉइन टेल तो सेकंड कॉइन भी क्या दिखाएगा, टेल। इजीली आप कर सकते हैं, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, आपने छोटी क्लासेस में किया भी है। थर्ड वन इज थ्री टाइम्स, जब एक कॉइन को फेंकते हैं आप, थ्री टाइम्स एक कॉइन इज टॉस्ड, तो उस केस में क्या होगा। पहले तो ये देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारे पास कितने आए हैं, टू, जब एक कॉइन को आपने फेंका है। जब आप दो कॉइन को फेंकोगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आएंगे टू का स्केयर, दैट इज फोर। अगर थ्री कॉइन को आप फेंकते हो तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आपके होंगे टू का क्यूब, दैट इज एट। और बहुत ही ईजी है हमारा सैंपल स्पेस बनाना। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो हेड के अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर देंगे या टेल के अकॉर्डिंग। जैसे लो हम सैंपल स्पेस बनाते हैं थ्री कॉइन का। अब मान लो हेड के अकॉर्डिंग हम चलें, तो जब आप तीन सिक्कों को फेंकते हो तो मिनिमम हेड कितने, मैक्सिमम हेड कितने आ सकते हैं, तीन। वो कब, फर्स्ट कॉइन भी हेड शो करेगा, सेकंड कॉइन भी हेड शो करेगा, और थर्ड कॉइन भी क्या शो करेगा, हेड। मैं इसे दिखाता हूँ, ये आपका फर्स्ट कॉइन, ये आपका सेकंड कॉइन, और ये आपका थर्ड कॉइन। आपने हेड के अकॉर्डिंग इनको अरेंज किया, तो मैंने कहा कि भाई तीनों पहले हेड दिखाएंगे, तो हेड हेड हेड, पहले थ्री हेड के अकॉर्डिंग मैंने अरेंज कर दिया। उससे कम कितने हेड आ सकते हैं जब आप थ्री कॉइन को फेंकोगे, टू हेड। टू हेड का मतलब तीन में से एक सिक्का क्या दिखाएगा, टेल। तो एक में टेल अरेंज करो, दो हेड अपने आप अरेंज हो गए। वो टेल दूसरे में हो सकता है, बाकी दो हेड अपने आप अरेंज हो गए। वो टेल तीसरे सिक्के में आ सकता है, तो बाकी दो में हमने क्या शो करना है, हेड। तो ये सारे केस किसके हो गए, टू हेड के। ये केस किसका हो गया हमारा, थ्री हेड का। अब मैंने कहा वन हेड, एक सिक्के में हेड, और फेंक रहे हो आप तीन सिक्के, तो बाकी दो में क्या दिखेगा, टेल। वो फर्स्ट में हो सकता है वो हेड आपका सेकंड में हो सकता है, और वो हेड आपका थर्ड में हो सकता है। तो ये अरेंजमेंट किसके अकॉर्डिंग कर दी हमने, वन हेड के अकॉर्डिंग। और जीरो हेड, जीरो हेड मीन्स टेल टेल टेल। तो आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए बताया है। हम डायरेक्टली भी इसका सैम्पल स्पेस लिख सकते हैं, बस माइंड में आपको यही रखना है कि पहले हम मैक्सिमम थ्री हेड के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, फिर टू हेड, फिर वन हेड, और फिर जीरो हेड, या टेल के अकॉर्डिंग भी आप इसको अरेंज कर सकते हैं। तो थ्री हेड हो गया, उससे कम कितने, टू हेड। टू हेड का मतलब एक में टेल, वो फर्स्ट में होगा, या उस टेल को आप सेकंड में शो कर दीजिए, या वो टेल आपका कहाँ आएगा, थर्ड। तो दो हेड के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट हो गई। अब फर्स्ट हेड के अकॉर्डिंग वो फर्स्ट कॉइन में हेड हो सकता है, वो कॉइन सेकंड कॉइन हमारा हेड शो कर सकता है, और या थर्ड कॉइन हमारा क्या कर सकता है, हेड को शो कर सकता है। और जीरो हेड मीन्स टेल टेल टेल, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। तो टोटल रिजल्ट हमारे कितने आ गए, एट। अब नेक्स्ट वन आता है हमारा, फोर क्वाइन आर टोस्ट, व्हेन फोर क्वाइंस आर टोस्ट। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हम अगर हम फार्मूले से देखें तो कितने होंगे, टू रेज टू दी पावर फोर, दैट इज 16। तो अब आपको यहाँ पर 16 केस अराइज करते हैं, तो 16 केस अराइज भी हम इजिली कर सकते हैं। देखिए बहुत ही ईजी है, आपने क्या करना है, फोर सिक्के लेके चलने हैं। तो पहले हम सैंपल स्पेस अगर फोर कॉइन का करें तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, देखिए नेक्स्ट वन पेज पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे करोगे। मान लीजिए ये आपका फर्स्ट कॉइन है, ये आपका सेकंड कॉइन है, ये आपका थर्ड कॉइन है, और ये क्या आपका फोर्थ कॉइन। तो सबसे ज़्यादा हेड कितने आ सकते हैं, फोर। वो कब आएंगे, हेड 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 हेड, जब सारे के सारे कॉइन आपके हेड शो करेंगे, तो हमारे फोर कॉइन हेड अरेंज हो गए। उससे कम कितने हेड आएंगे, थ्री। थ्री हेड का मतलब चार में से एक कॉइन हमेशा क्या शो करेगा, टेल। वो फर्स्ट कॉइन हो सकता है, वो आपका सेकंड कॉइन हो सकता है जो टेल शो करेगा, वो आपका थर्ड कॉइन हो सकता है जो टेल शो करेगा, वो आपका फोर्थ कॉइन हो सकता है जो टेल को शो करेगा। तो ये थ्री हेड के अकॉर्डिंग हो गए। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है टू हेड। अब टू हेड का मतलब है चार में से दो सिक्के हम अरेंज कर रहे हैं, कि चार में से दो सिक्के हमारे क्या दिखाएंगे, हमेशा हेड। तो आप देख लीजिए, इनकी ग्रुपिंग कर लीजिए, वन टू थ्री फोर सिक्के हैं, वन की ग्रुपिंग टू के साथ हुई, तो वन और टू तो हेड शो करेगा, बाकी दो में टेल शो कर दीजिए। वन और थ्री की ग्रुपिंग हुई, फर्स्ट और थ्री में हेड, तो बाकी दो में क्या आ गया, टेल। फिर फर्स्ट की ग्रुपिंग हुई फोर के साथ, तो फर्स्ट और फोर्थ में हेड, बाकी दो में टेल। तो आगे आगे चल के आपने ग्रुपिंग बनानी है, पीछे नहीं बनानी। वन की ग्रुपिंग सभी के साथ हो गई, अब टू और थ्री, टू और थ्री सिक्के में हेड, बाकी दो में टेल। फिर आया टू और फोर,
टू और फोर में आपका हेड आ गया, बाकी दो में क्या आ गया, टेल। टू की ग्रुपिंग सभी के साथ हो गई। अब ग्रुपिंग हुई थ्री और फोर, थ्री और फोर में हेड और बाकी दो में टेल। तो ये दो हेड के हमारे सिक्स केसेस अराइज हो जाएंगे। तो आपने ग्रुपिंग आगे बनाते हुए चलना है, और जिसकी ग्रुपिंग बने उसमें हेड, बाकी दो में क्या आ जाएगा, टेल। फिर है वन हेड, बहुत ईजी है वो। वन हेड तीन में से एक सिक्का हेड दिखाएगा, वो फर्स्ट क्वाइन हो सकता है जो हेड शो करेगा, वो सेकंड क्वाइन हो सकता है, वो थर्ड क्वाइन हो सकता है, या वो फोर्थ क्वाइन हो सकता है जो चार में से एक सिक्का क्या शो करेगा, हेड। और जीरो हेड मीन्स टेल 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 टेल। देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन। तो फिर से आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली भी ये लिख सकते हैं, बस माइंड में आपको रखना है कि मैक्सिमम नंबर हम फोर हेड से अरेंज करना शुरू करेंगे। तो हेड 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 एंड हेड, उससे कम कितने हेड, थ्री। मीन्स एक सिक्के में क्या आएगा, टेल। तो पहले से स्टार्ट कीजिए टी एच एच एच, अब टेल को दूसरे क्वाइन में शो कर दीजिए एच टी एच एच, अब टी को थर्ड क्वाइन में शो कर दीजिए और अब टी को फोर्थ क्वाइन में शोज कर दीजिए। अब आ गया टू हेड, तीन से हेड से कम कितने हेड होंगे, टू। तो मैं आपको फिर रिकमेंड तो यही करूँगा, शुरू में जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं हो जाती ऐसे साइड में वन टू फोर थ्री फोर लिख लीजिए, वन और टू में हेड, बाकी दो में टेल। अब वन और थ्री में हेड, वन और थ्री में हेड, वन और थ्री में हेड, बाकी दो में टेल। वन और फोर में हेड, वन टू फिर वन थ्री और फिर वन फोर, वन और फोर में हेड, बाकी दो में टेल। टू और थ्री में हेड, ये हो गया टू और थ्री में हेड, बाकी दो में टेल। फिर है टू और फोर में, टू और फोर में हेड, बाकी दो में टेल। फिर थ्री और फोर में हेड, बाकी दो में टेल। नेक्स्ट वन इज वन हेड, तो वो फर्स्ट हो सकता है, फिर उस हेड को सेकंड में शो कर दीजिए, फिर उस हेड को थर्ड में शो कर दीजिए और फिर उस हेड को फोर्थ क्वाइन में शो कर दीजिए। और जीरो हेड मीन्स टेल 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 एंड टेल। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन। ये आपका क्या बन गया, फोर क्वाइन का सैम्पल स्पेस। अब बात कर लेते हैं डाइस की। जब सिंगल डाइस को आप फेंकोगे, सिंगल या वन डाइस को जब आप थ्रोन करोगे, तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, जो बहुत ईजी है, जो आप अर्लियर क्लासेस में भी कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं व्हेन टू डाइस आर थ्रोन, व्हेन टू डाइस आर थ्रोन, जब दो डाइस फेंकी जाएंगी। तो एक में अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम थे सिक्स, तो यहाँ पर आ जाएंगे सिक्स का स्केयर, दैट इज 36। तो जब आप टू डाइस को थ्रोन करोगे तो टोटल सैंपल स्पेस में टोटल जो हमारे एलिमेंट्री इवेंट होंगे वो कितने होंगे, 36। कैसे, बहुत ईजी है। पहले डाइस, फर्स्ट डाइस में वन को फिक्स कर दीजिए, तो सेकंड डाइस में वन आ सकता है, या सेकंड डाइस में टू, या आ सकता है थ्री, या आ सकता है फोर, या सेकंड डाइस में फाइव, या सेकंड डाइस क्या शो कर सकती है, सिक्स। सिमिलरली फिर टू फिक्स कर दीजिए, टू वन से लेके टू सिक्स एंड अप टू सो ऑन, सिक्स वन से लेके सिक्स सिक्स। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारे कितने हो जाएंगे, 36। तो इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, अपना सैंपल स्पेस। तो हमने क्वाइन के सैंपल स्पेस बनाना सीख लिया और डाइस के सैंपल स्पेस बनाना सीख लिया। अब कई बार किस तरह के क्वेश्चन अराइज होते हैं कि डाइस के बाद क्या फेंकेगा वो क्वाइन, या क्वाइन के बाद क्या फेंकेगा डाइस, या कोई चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी आपको किसी चीज़ में से। तो उस केस में देखिए आप सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे। जैसे है हमारे पास ए क्वाइन इज टॉस्ड, ए क्वाइन इज टॉस्ड इफ इट शोज टेल, इफ इट शोज टेल ए डाइस इज थ्रोन, ए डाइस इज थ्रोन, डिस्क्राइब इट सैंपल स्पेस, डिस्क्राइब इट सैंपल स्पेस। तो बहुत ईजी है बेटा, एक फिगर सी बना लीजिए, पहले क्वाइन को टॉस कर लीजिए। आपने क्वाइन को टॉस किया, या तो हेड आया है या क्या आया है आपका, टेल। उसके बाद ने उसने कहा इफ इट शोज टेल, तो ये है हमारा, यहाँ पर टेल शो हो रही है, ए डाइस इज थ्रोन। तो टेल आने के बाद आपने डाइस फेंक की, तो टी अपनी पोजिशन ले लेगा, या तो टेल के बाद डाइस आएगी, तो या तो टी, या तो उस डाइस में वन आया है, या टू, या थ्री, या फोर, या फाइव, या सिक्स,
हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया, अब इसका सैम्पल स्पेस लिख लीजिए। अब पहले आइए फर्स्ट हेड और टेल, क्या हेड से आगे कोई फर्दर काम किया गया है? नहीं, तो हेड हमारा किस में आ जाएगा? सैम्पल स्पेस में। टी से आगे भी फर्दर हमने कोई काम किया है तो टी हमारा सैम्पल स्पेस में नहीं आएगा। कौन सा आएगा? अब क्या टी वन से आगे कोई फर्दर काम किया है? नहीं किया, तो टी वन, टी टू से आगे भी नहीं किया, एंड अप टू सोन, टी सिक्स से आगे तक हमने कोई काम नहीं किया है। तो ये हमारा क्या आ गया इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैम्पल स्पेस। तो बहुत ईजी है, जिससे फर्दर आगे आपने काम कर लिया वो आपका सैम्पल स्पेस में इंक्लूड नहीं होगा, उससे आगे वाले इवेंट हमारे सैम्पल स्पेस में इंक्लूड होते जाएंगे। जैसे एक और देख लीजिए, आप सुनते रहिए, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ। ए डाइस इज थ्रोन, डाइस थ्रोन कर दिया आपने, 1 2 3 4 5 6, ए डाइस इज थ्रोन इफ इट शोज एन इवन नंबर, इफ इट शोज एन इवन नंबर, तो ये नंबर है 2 4 और 6। ए क्वाइन इज टोस्ट, तो जब इवन नंबर आया उसके बाद आपने क्वाइन टोस्ट किया, तो इवन नंबर अपनी पोजीशन ले लेगा, या तो उसमें हेड आएगा या टेल। तो आपके ये सारे ही क्या हैं? इवन। डिस्क्राइब इट सैम्पल स्पेस, तो सैम्पल स्पेस हम चलेंगे शुरू से, क्या 1 3 5 से आगे फर्दर कोई काम किया है? हमने नहीं किया, तो किस में आगे? सैम्पल स्पेस में। क्या टू, लेकिन 2 4 6 से आगे तो हम चले हैं, अब 2H2T से आगे चले हैं? नहीं, तो 2H2T, सिमिलरली 4H40 एंड सिमिलरली 6H60। ये हमारा क्या आ गया इसका सैम्पल स्पेस। तो इस तरह से हम इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? सैम्पल स्पेस। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, आप सुन लीजिए, जैसे हमारे पास एक क्वाइन इज टॉस्ड ट्वाइस, तो ट्वाइस कर लीजिए, या तो आएगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ये हमारा हो गया हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ए क्वाइन इज टॉस ट्वाइस इफ द सेकंड ड्रा रिजल्ट इज ए हेड। यहाँ पर भी सेकंड ड्रा, ये फर्स्ट ड्रा, ये सेकंड ड्रा, तो सेकंड ड्रा रिजल्ट क्या है? हेड। यहाँ पर भी सेकंड ड्रा रिजल्ट क्या है हमारा? हेड। ए डाइस इज रोल्ड, तो क्या आ जाएगा? ये अपनी पोजीशन ले लेगा H H1, फिर आ जाएगा H H2 से लेके अप टू सोन, कहाँ तक आ जाएगा? H H6 तक, और सिमिलरली TH1 से लेके कहाँ तक आ जाएगा? TH6 तक। वो कह रहा है डिस्क्राइब इट्स सैम्पल स्पेस, तो सैम्पल स्पेस बहुत ईजी है बेटा। फिर से देख लीजिए, एक क्वाइन इज टोस्ट ट्वाइस, तो दो बार हमने क्वाइन को टोस्ट कर दिया। इफ़ द सेकंड ड्रा इज ए हेड, इसमें भी सेकंड ड्रा हेड है, इसमें भी सेकंड ड्रा हेड है। ए डाइस इज थ्रोन, तो डाइस में नंबर कहाँ से कहाँ तक आ सकते हैं? 1 से लेके 6 तक। वो कह रहा है डिस्क्राइब इट सैम्पल स्पेस, तो आपके रिजल्ट क्या होंगे? HT आपका आएगा, क्योंकि उससे फर्दर आपने कोई काम नहीं किया। TT आपका सैम्पल स्पेस में आएगा। HH1, HH2 से लेके HH6 सारे आएंगे, एंड TH1 से लेके अप टू सोन TH6 तक, ये सारे हमारे किस में आ जाएंगे? सैम्पल स्पेस में। तो इस तरह से हम क्या बना सकते हैं इजली? सैम्पल स्पेस। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लीजिए, एक फैमिली है, आप क्वेश्चन समझिए, एक फैमिली में कितने चिल्ड्रन हैं? 2। एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन हैं, तो 2 चिल्ड्रन हैं, तो उसने क्या कहा कि आप सैम्पल स्पेस बनाइए कि हम किस में इंटरेस्टेड हैं, कि वो बॉय है या गर्ल। अगर एक फैमिली में 2 बच्चे हैं तो सैम्पल स्पेस क्या होगा कि या तो वो एक बॉय है, कि उसमें हम किसके रिगार्डिंग हम सैम्पल स्पेस बनाने हैं, या तो वो बॉय है या क्या है? गर्ल। तो या तो दोनों बॉय हो सकते हैं, या दोनों गर्ल हो सकती हैं, या फर्स्ट बॉय हो सकता है फिर गर्ल, या पहले गर्ल हो सकती है फिर बॉयज। तो ये हमारा क्या बन जाएगा उसका? सैम्पल स्पेस। तो ये सैम्पल स्पेस जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपको अच्छी तरह से बिल्कुल ईजिली, ये तो आपको आना ही आना चाहिए अगर आपको प्रोबेबिलिटी सीखनी है तो, और जो बहुत ही ईजी है। जैसे एक और देख लीजिए सैम्पल स्पेस एक क्वेश्चन, आप मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, आपको बस ध्यान से सुनिए। ए डाई इज थ्रोन रिपीटेडली अनटिल A6 कम अप। एक डाइस को जब तक फेंका जाता है जब तक आपका 6 नहीं आ जाता। आप फेंकते रहोगे, कब तक फेंकोगे? जब तक आपका क्या नहीं आ जाता? 6। व्हाट इज द सैम्पल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट? तो इस एक्सपेरिमेंट का आपको क्या बताना है? सैम्पल स्पेस। तो अब ये जो सैम्पल स्पेस बनेगा वो कैसा बनेगा हमारा? इनफाइनाइट, क्योंकि ये तो पॉसिबल है ही नहीं, या हो सकता है फेंकते रहो और कभी भी आपका 6 ना आए। हम ये बता ही नहीं सकते कि फर्स्ट ड्रा में आएगा, सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा, फोर्थ में आएगा।
तो इस तरह के केसेस को एक बार फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन ये है, एट मैं लिख भी देता हूँ, ए डाई इज थ्रोन रिपीटेडली अनटिल ए सिक्स कम अप, अनटिल ए सिक्स कम्स अप, डिस्क्राइब इट सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस हम क्या बनाएंगे, हम वन से स्टार्ट करेंगे, पहली बार फेंका हमने और सिक्स आ गया, हो गया जी पूरा हमारा काम। अगर पहली बार नहीं आया तो अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, पहली बार फेंका तो वन आया लेकिन दूसरी बार सिक्स आ गया। दूसरा केस बना, पहली बार फेंका तो टू आया फिर सिक्स आ गया, फिर थ्री आया फिर सिक्स आ गया, फिर फोर आया पहली बार तो दूसरी बार सिक्स आ गया, फिर फाइव आया पहली बार तो फिर क्या आ गया, सिक्स। तीसरा केस क्या बनता है, पहली बार आपने फेंका वन, पहली बार फेंका वन आया सिक्स नहीं आया, दूसरी बार फेंका वन आया फिर क्या आ गया, सिक्स, पहली बार फेंका वन फिर टू और फिर क्या आ गया, सिक्स, फिर वन थ्री सिक्स, फिर वन फोर सिक्स, फिर वन फाइव सिक्स, हो गया। अब अगला फिर किस, पहली बार फेंका टू फिर वन सिक्स, फिर टू टू सिक्स एंड अप टू सोन। तो ये हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये हमारा क्या होगा, इसका सैम्पल स्पेस। तो आज आपने ये सैम्पल स्पेस सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से सॉल्व करने हैं। थैंक यू।